बागेश्वर धाम सरकार की। क्या नाम है प्रभु? ओहो निखिल, आई एम कॉलिंग फॉर यू, ओके, आई स्पीक इन इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? या ओके, कहां से हो? जो ले आईवारा से गुरु। कहां पड़ता है ये आईवारा? यहाँ 30 किलोमीटर है रायपुर। रायपुर से? पहली बार आए? जी गुरु जी, लास्ट टाइम आया था यहाँ पर, आपकी बार में ही आया था। जी स्वीकार नहीं हो पाई थी, इस बार मैं बोल के आया था घर से, बालाजी मेरी सुन लेना। बताओ, उन्होंने नाम शायद बुलवा दिया। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, है ना? भाई और मेरी मौसी यही बैठे। अच्छा, उनको बाद में आशीर्वाद दिलवाना, ठीक है? तो तुम्हें भरोसा था कि हम बुलाएंगे? घर पे बोल के आया था कि आप मेरी अर्जी स्वीकार होगी ही होगी। हो, तुमने घर पे बोला था? अरे तो हमारा भाई भाई इसका मतलब बहुत तेज है। वाह वाह वाह, चलो क्या समाधान चाहते हो बालाजी से? बिना माइक के पूछो। ठीक है, हम बताएंगे आप, हमारा काम है, गुरु का काम है। हमने आपकी 3 बातें लिखी, मन अशांत, निर्णय नहीं आप कर पा रहे, बहुत ज्यादा विचलित हैं, आपको विद्यालय तरफ स्कूल तरफ जाना चाहिए, उसमें आप सफल होंगे, बहुत अच्छे आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, पूरे शरीर में दर्द रहता, परिवार को बीमारी बनी हुई है, एक ना एक को उठापटक मची हुई है, बुखार ताप व सिर की पीड़ा बना रहा है, सबको जकड़ता है, आपका शक सत्य है, टोटका विद्या का प्रयोग घर पर किया गया है, परिवार जनों द्वारा किया गया है, जिनसे क्लेश बना था उन्हीं के द्वारा किया गया है, इसमें शोभा राम नाम का तांत्रिक है, उसने पैसा लेकर के किया है, लेकिन जाओ तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बहुत ज्यादा पूरे परिवार को जकड़ा है, ब्रेन को जकड़ रहे हैं सबको, और काम पे भी मन नहीं लग रहा, आय के भी कोई स्रोत नहीं है, काम के भी कोई स्रोत नहीं है, पहले विवाद बन गया था, भूमिगत विवाद भी बनाया था, अभी भी आपका एक जमीन का केस चल रहा है। माइक लो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है बालाजी, ये पूरा ऑल टोटल इसी का चक्कर है, जिनसे डॉट 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 उपाय बता रहे, 1 मिनट का समय दो। राम गुरु जी, सीताराम बालाजी, सीताराम। तो आप टीचर हो? मैं दिन भर आपकी कथा सुनते रहता हूँ, भजन सुनते रहता हूँ, अभी आते वक्त मैं आपकी भजन सुन रहा था, जीवन एक भैया रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है वाला, आपकी चैनल से सुन रहा था। कैसे? उनका तो ब्रेन बांध दिया था, अभी भी वो बहुत ज्यादा ना 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 करती हैं और मानने को तैयार नहीं है। हमने पहले आपका निकाला है, आपके लिए उपाय ये है, आपको एक लाल झंडी घर पर लगानी है, अपने घर पर आपको सन्यासी बाबा का नित्य हवन करना है, आपको ये 40 दिन तक करना है, बागेश्वर धाम की पूर्ण पेशी करना है, आप अपने विद्यालय का स्थापना कर पाओगे, ये भी आगे जो आपका सपना है। हमने 2 आपको उपाय दिए, एक स्कूल की तरफ जाना, चूंकि आप जाना चाह रहे थे कॉलेज की तरफ, पर कॉलेज के लिए आपका शार्प माइंड नहीं है, इसलिए फंस सकते हो, स्कूल की तरफ आप जाएं, योग्य शिक्षक हैं आप, योग्य टीचर हैं आप, वहां सफल होंगे। ये तंत्र वाला काम हमारा है, इसको हम कटवाएंगे, मेहनत तो कर्म तुम्हें करना, कृपा बालाजी करेंगे, मुकदमा तुम्हारे पक्ष में है, और जो तुम्हारी मौसी का विषय है वह धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं, ब्रेन उनका ब्रॉस हो चुका है और उन्हीं की भाषा बोल रही हैं, और धाम आने को या मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, उल्टा बोलती हैं कि ये सब पाखंड है, क्योंकि उनके ब्रेन को बांध दिया गया है, लेकिन जाओ 16 दिन में असर उनको भी दिखने लगेगा, आशीर्वाद है। श्री राम। कोई संदेह? बराबर, तुम तो पढ़े लिखे हो, मूर्ख तो नहीं बन गए? कल्याण दूर से प्रणाम। अब धाम आइयो, कन्या विवाह में रुकियो, चेले
नहीं तो हम तुम्हारा उपद्रव बता दे भी टीचर वालों। सीताराम सीताराम गुरु जी।